everyone, welcome back to my channel. This is me Sonam, and in today's video we are going to talk about wheat waxing strips. So ये किसी तरीके का promotion नहीं है. अगर आप first time use करना चाहते हो या आपको नहीं पता, आप थोड़ा डर रहे हो कि पता नहीं कैसे काम करेगा, successful होगा कि नहीं होगा, तो आप मेरे साथ इस video में बने रहें. So इस video में आपको before and after result दोनों दिखेंगे. मैं आपको पूरा detail में बताऊंगी कि कैसे इसको use करना है and इसके क्या क्या benefit हो सकते हैं. तो conclusion आपको end में दिखने को मिलेगा. तो ये मार्केट में बहुत पहले से आया हुआ है, लेकिन मैंने आज तक यूज नहीं किया. आई जस्ट डोंट नो व्हाई. ओके, सो पैकेजिंग की बात की जाए तो कार्डबोर्ड मटेरियल में आता है एंड इस पे गिवन है कि ये सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में आपकी बॉडी को वैक्स कर देगा. दैट इज पीन, अप्लाई एंड पुल. एंड ये हाफ बॉडी वैक्स स्ट्रिप है. अगर आपको फुल बॉडी के लिए करना है तो आपको ऑब्वियसली इससे बड़ा वाला पैकेट लेना पड़ेगा. मेरी क्योंकि नॉर्मल स्किन है, सो मैंने ये पिंक वाला वेरिएंट लिया है. इसके साथ ही साथ आपको दूसरे वेरिएंट भी मिल जाएंगे, या आपको किसी भी लोकल स्टोर में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा. एमआरपी की बात करें तो ये 99 रुपीज का आता है एंड इसमें आपको टोटल 8 प्री कोटेड वैक्स स्ट्रिप्स मिलते हैं. तो जब हम ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके की कुछ 4 वैक्स स्ट्रिप्स मिलेंगी. इसके साथ में आपको एक गाइडलाइन पेपर मिलेगा एंड इसके साथ में आपको वेट वाइप्स मिलेंगी, जो आप वैक्स करने के बाद में अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए या जहाँ भी आपने वैक्स किया है उसको क्लीन करने के लिए आप यूज़ करोगे. सो इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी एंड सिंपल हो जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स शेप. यहाँ से आप देखो थोड़ा कर्व में दिया गया है. सो जब हम इसको अप्लाई करते हैं एंड हम जब इसको पुल करते हैं तो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो. सो वैक्स करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्किन को क्लीन कर लेना है. क्लीन करना है एंड देन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो आप उसमें टैल्कम पाउडर अप्लाई कर लीजिए. सो ये 2 कंडीशन मस्ट होती है वैक्स करने से. अगर आपकी स्किन में पसीना होगा तो वैक्स जो है चिपकेगा नहीं. अगर डर्ट होगा तो जब आप पुल करोगे तो वो डर्ट आपके रूट्स में जाने की भी चांसेस होते हैं. बेसिकली इसमें आपको इसको तब तक यूज़ करना है जब तक इसकी स्टिकनेस चली नहीं जाती. आपको अपने हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन के टूवर्ड्स इसको अप्लाई करना होगा. जैसे कि अगर अपवर्ड्स है तो इसको आप कुछ इस तरीके से रखेंगे, अगर डाउनवर्ड्स है तो आप इस तरफ रखेंगे. मतलब कि जहाँ से आप पुल करेंगे तो वहाँ पे ये वाला एरिया आना चाहिए. ओके, दिस इज़ व्हाट द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. इसमें आपको 4 वैक्स स्ट्रिप्स मिल जाएंगी, 1 यूज़र गाइड एंड 2 वेट वाइप्स मिल जाएंगे. दिस इज़ माई फुल हेयर ग्रोथ एंड मैंने वैक्स बहुत टाइम से नहीं किया है. सो ये आपको बिफोर दिख रहा है एंड मैं अपने दोनों हैंड्स में पहले वैक्स करूँगी. इन केस कोई भी स्ट्राइप बचती है तो उससे मैं अपने लेग्स को वैक्स कर लूँगी. सो आपको वैक्स स्ट्रिप लेनी है दोनों हाथों के बीच में एंड उसको कुछ इस तरीके से हीट अप करके पुल करना है, बहुत ही स्लोली, बहुत ही जेंटल. अगर आप थोड़ा जल्दी कर दोगे तो वैक्स जो है वो ठीक से नहीं निकलेगा. सो एज़ यू कैन क्लियरली सी हाउ आई एम डूइंग इट, आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना है एंड जो एक स्ट्रिप होगी वो हम एक सिक्योर जगह पर रख देंगे. आपको अपने हेयर ग्रोथ डायरेक्शन में इसको स्टिक करना होगा एंड पुल आपको ऑपोजिट करना होगा. एंड प्लीज़ मेरे वियर्ड एक्सप्रेशन को थोड़ा इग्नोर कर देना क्योंकि थोड़ा सा डर तो लगता ही है. बार बार एक ही पार्ट पे आप वैक्स मत करिएगा क्योंकि उससे इरिटेशन हो सकती है. सो ये पैक सफिशिएंट है आपके फुल हैंड्स को वैक्स करने के लिए एंड आप देख सकते हो क्लियरली कि कैसे ये हेयर्स आ गए हैं. एंड आपको थोड़ा क्लोजर लुक दिखा देते हैं. मुझे बस एक बात इस प्रोडक्ट की नहीं अच्छी लगी, वो है इसकी लेंथ. अगर ये लेंथ वाइज थोड़ा बड़ा होता तो एक साथ आप काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर सकते हो. इसमें क्या हो रहा है, बीच बीच में कुछ 5-6 बाल जो हैं वो रह जाते हैं. बट दैट्स नॉट एन इशू, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से वैक्स हो जाएगा, दैट इज़ पॉसिबल. एंड एज यू कैन सी मेरे दोनों हैंड्स वैक्स हो चुके हैं एंड अब आती है बारी वीट वाइप्स का यूज़ करने का. एंड इसमें कुछ जेल टाइप का था सो दैट कि जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वैक्स का वो क्लीन अप हो जाएगा एंड आपको एक बहुत प्यारा सा ग्लो देगा. सो ये रहा बिफोर वाली क्लिप एंड अब आप देख सकते हैं ये है आफ्टर वाली क्लिप. वीडियो में देख सकते हो कि ये कितनी स्मूथली हेयर्स को रिमूव कर रहा है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय इट. आफ्टर वैक्सिंग मैंने क्या किया, पानी से इसको धुला बट वो थोड़ी सी स्टिकनेस रह गई थी. सो इस वाइप के थ्रू वो जो स्टिकनेस है वो चली जाएगी एंड इंस्टेंट ग्लो आपकी स्किन में आ जाएगा. स्किन में वैसे भी वैक्स करने के बाद में थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है लेकिन वो विद इन 1 आवर चली भी जाएगी. सो नो इशू विद दैट. अगर आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है स्किन में तो आप आइस क्यूब से उस एरिया को रब कर सकते हो ताकि वो थोड़ा सूदन आउट हो जाए. इनफैक्ट वैसा होना नहीं चाहिए. एज यू कैन सी मेरे हैंड्स कम्प्लीटली वैक्स हो चुके हैं एंड मुझे तो प्रोडक्ट ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है. सो लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन. ओवरऑल आई लाइक दिस प्रोडक्ट वेरी मच. पहला क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी परचेज कर सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डजंट मैटर.
सेकेंड, ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इसलिए इसको अपने मेकअप पाउच में रख सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, शॉर्ट ड्रेसेस पहन सकते हो, वट एवर। एंड थर्ड, ये बहुत ही ईजी एंड कन्वीनियंट है यूज़ करने में। फोर्थ, आपको किसी भी प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर सैलॉन्स जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, वहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से वैक्स कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप इट हेल्प्स एंड आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। इनकेस अगर भी कोई भी डाउट बचा हो तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। प्लस आप कैसे वीडियोज मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं वो भी आप कॉमेंट कर देना। सो सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।